उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को प्रदूषण ने अपने चपेट में ले लिया है, जिससे गाजियाबाद के पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट भी आई है। हेडलाइट जलाकर भी लोगों को काफी धीमी गति से वाहन चलाने पड़ रहे हैं। वहीं बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देर रात से छाया कोहरा अभी तक नहीं हटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक जाकर कोहरे का प्रभाव हल्का होगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है और इसके बदलने के बिल्कुल भी आसार नहीं दिख रहे हैं। लोगों का यहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। देखिए, बेसिकली देखा जा रहा है जैसे कि आने वाले हर साल ये स्थिति होती है पॉल्यूशन को लेकर के, और अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग ही है अभी सर्दियों की, और कोहरा समझ के लोग वक्त पॉल्यूशन को फील कर रहे हैं। दूसरा जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें अभी से पैदा हो रही हैं। सुबह को कुछ दिखाई नहीं देता, शाम को दिन छिपने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, बेहद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर में बुजुर्ग लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है सांस लेने में कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और हम खुद इनफैक्ट स्कूटी वाहन चलाने में हमें इतनी दिक्कत हो रही है, विदाउट हेलमेट नहीं चला पा रहे, आंखों में जलन हो रही है, अगर हेलमेट लगा लें तो शीशे में से दिखाई नहीं दे रहा है। और माना जा रहा है कि जैसे अभी भी खुद भी सांस में लेने में अचकट महसूस हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है, एक उसी प्रकार का वैसा धुआं आंखों में ऐसा चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से। Thank you.